हेलो दोस्तों कैसे आप सभी लोग गुड इवनिंग मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं दोस्तों इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101 आप सभी का स्वागत करता हूं अरे बच्चों यार क्लास शुरू इसीलिए नहीं हुई थी आप लोग देख नहीं रहे थे क्या ए टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो क्या आप अपना जो चैनल है उसकी पहली होम पेज के ऊपर में प्ले लगी हुई है मेरी अभी क्लास चल रही थी इकनॉमिक्स की ठीक है जो हम आठ बजे करते थे लेट्स क्रैक यू पी के ऊपर ना तो वहां पर क्लास चल रही थी अभी मेरी ठीक है तो वो क्लास बस मैं निपटा रहा था ठीक है गुड इवनिंग आई आइए स्नेहा त्रिपाठी संजू गुड इवनिंग गुड इवनिंग नमीशा करीना संदीप स्नेहप्रीत सुष्मिता महिमा स्वागता खुशबू आप सबका स्वागत है स, संता आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है यूपीएससी वन जीरो वन सो so अभी क्या डिस्कस करेंगे क्या बात करनी है अभी बात हमें जो करनी है वो समझिएगा दोस्तों कुल मिला के आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में मैं बात करूंगा यूपीएससी ने इस बार आपको गिफ्ट दिया है एक ज्यादा वैकेंसी का हर बार ऐसा होता नहीं है पिछली बार तो मतलब सब लोग रो रहे थे हम ठीक है वैकेंसी बहुत कम थी बट इस बार वैकेंसी ज्यादा वैकेंसी ज्यादा का मतलब क्या चांसेस भी ज्यादा है ना वैकेंसी ज्यादा का मतलब क्या है दोस्तों आपके चांसेस भी ज्यादा है किसके सेलेक्ट होने के आपके सेलेक्शन पाने के सो so, इसीलिए मैं कह रहा हूं ठीक है मतलब वन परसेंट के आसपास आप मान के चलो कि चांसेस है 1 भी नहीं है जितने लोग फॉर्म भरते हैं और जितने लोगों का सिलेक्शन होता है एक तो जो फॉर्म भरते हैं वो और जिनका सिलेक्शन होता है वो ठीक है तो यहां से यहां का रेशियो है जीरो और अगर इसमें वैकेंसी आपकी अगर मैं बढ़ाऊं और घटाऊ तो बहुत फर्क पड़ता है मतलब एक वैकेंसी एक ज्यादा होना ये पिछले तीन साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार इतनी वैकेंसी ज्यादा आपको मिली है मतलब तीन साल में पिछले सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार रही हैं और इसका कारण भी क्या है दोस्तों हमारे जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र जितेंद्र साहब तो उन्होंने बताया भी था लोकसभा के सामने कि यार ऐसे ऐसे आई की कमी चल रही है छः साढ़े छः हजार के आसपास आई काम करने चाहिए बट साढ़े चार हजार या पाँच हजार आई जो हैं काम कर रहे हैं डेढ़ हजार पंद्रह सौ आई के आसपास देश में क्या है कमी चल रही है शॉर्टेज चल रही है ठीक है तो हो सकता है उसके दौरान पर उससे तो कुछ नहीं होगा पंद्रह सो आई कम है तो वो एक सौ उनचास से कुछ नहीं होगा बट हां सरकार अभी भी ये बोल रही है कि हो सकता है फाइनल जब तक सब के सब डिपार्टमेंट से प्रपोजल आए तब तक हो सकता है फाइनली ये जो वैकेंसी है वो थोड़ी और भी बढ़ सकती है तो कुल मिला के कहने का ब, मतलब ये है कि पिछले तीन सालों में तीन वर्षों में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है वैकेंसी आपको इतनी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रही है क्या आपको इसका फायदा मिलेगा देखो ऑब्वियस एंड अबकोर्स आपको इसका फायदा मिलेगा ठीक है डेफिनेटली आपको इसका फायदा मिलेगा हर हाल में आपको इसका फायदा मिलेगा मैंने क्या बोला चांसेस होते हैं जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट अगर जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट में साढ़े चार सौ सॉरी एक सौ उनचास यानी कि डेढ़ सौ वैकेंसी आप बढ़ा देते हो तो आपके चांसेस जो है वो और क्या हो जाते हैं ब्राइट हो जाते हैं ठीक है कट ऑफ जो है वो भी उसी अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी तो बहुत फायदा हो जाएगा हमें ठीक है so, सो उसी हिसाब से देखते हैं कि आपके चांसेस क्या बनते हैं तो मैं कुछ करने वाला नहीं हूं मैं कोई जादू नहीं करने वाला हूं मैं कुछ डेटा आपके सामने रखूंगा क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के अंदर एक सीरियसनेस वाले एलिमेंट की जरूरत है आप कितने सीरियस हैं आपकी इस तैयारी को लेके वो ये डेटा ही निश्चित करेगा कि अलग अलग मैट्रिक्स को लेके आप कितने जो है जागरूक हैं कितना आप जानते हैं इस बारे में प्रीवियस ट्रेंड को देखाऊंगा मैं आपको एक हकीकत दिखाऊंगा कि वास्तविकता में क्या अब तक हो रहा है और इसी ट्रेंड को ध्यान में रख के अपने को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है अपने को अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सारी पार्ट ना ये जनरली आपको खुद से करना चाहिए लेकिन ठीक है कोई बात नहीं आपके साथ मैं हूँ आपके लिए मैं हूँ ये करने को तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है आवश्यकता नहीं है हंड्रेड एंड आपका फोर्टी नाइन मोर वैकेंसीज तो अपना कैसे आप देखोगे आपके चांसेस क्या हैं कितने परसेंटेज आपके चांस बन रहे हैं सो so, चांस जानने से पहले दोस्तों मैं चाहूंगा ये चारों चैनल यार ये आप लोग ना बस सुन लेते हो और बहुत बच्चे हैं जो ध्यान नहीं देते ये चार चैनल है ठीक है ये सब्सक्राइब करने हैं इन चारों चैनल पे दोस्तों हम अलग अलग चीजें करते रहते हैं ठीक है अभी इस पे ओशनोग्राफी गुरुकुल थ्री पॉइंट टो करंटेयर इस पे करंट अफेयर की वीडियो आती है पार्ट बाई पार्ट छोटी छोटी आप देखते नहीं है ठीक है एनसीईआरटी पे हम एनसीईआरटी की बातें करते हैं ठीक है अभी एनसीईआरटी एट्थ क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी टी इस पर शुरू करने वाला हूं तो ये सारे काम मैं करूंगा दोस्तों तो दोस्तों ये मेरे चार चैनल हैं मैं जिसके माध्यम से आपके बीच में आया हूं और मैं चाहता हूं आप इन चारों चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े मेरे साथ और मेरा नाम क्या है दोस्तों सुमित राठी यही मेरा आपसे क्या अनुरोध है जुड़ जाइए मेरे साथ फटाफट से चारों चैनल को क्या कर लीजिएगा सब्सक्राइब आप मेरे साथ अनअकैडमी की ऐप पर भी जुड़ सकते हैं ऐप पर जुड़ने के के लिए बस आपको ना मुझे सुमित कुमार के नाम से क्या करना है फॉलो ठीक है मेरा अनडमी भी यही नाम है उसके बाद कोई क्विज स्पेशल क्लास और प्लस कोर्स मेरा पंद्रह तारीख से आ रहा है पंद्रह फरवरी से आप जुड़ सकते हैं उसमें और उसके लिए कोड यूज रखना है आपको सुमित टेन सुमित टेन मेरा कोड रहेगा और इस कोड से आपको टेन परसेंट डिस्काउंट और मेरा गाइडेंस आपको इस पूरी प्रक्रिया में मिलेगा याद रखें जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो सुमित टेन कोड ही यूज करें कोई और कोड यूज कर लेते हैं फिर बाद में कहते हैं सर हमें ऐड कर लो ये दोस्तों किसी भी केस में अगर आपको डाउट है आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप ऑफर जानना चाहते हैं लेटेस्ट ऑफर क्या है आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई क्वेरी है कंफ्यूजन है कुछ आपको अपनी यूपीएससी की जर्नी से रिगार्डिंग तो सीधा आप दोस्तों इस नंबर पे क्या करेंगे कॉल ठीक है इस नंबर पे आप कॉल करेंगे और इस नंबर पे जब आप कॉल करेंगे तो आपको कंप्लीट जो है एक डिटेल में क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा आपसे बातचीत की जाएगी और आपकी क्वेरी का समाधान किया जाएगा तो ये नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं एंड उनको बता दीजिएगा मेरा कोड रहेगा सुमित टेन सुमित टेन कोड से हम ज्वाइन करना चाहते हैं साथ ही साथ दोस्तों कॉम्बो ऑफर है 32 परसेंट ऑफ चल रहा है ठीक है कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जो आपको इतना बड़ा डिस्काउंट दे रहा है ठीक है बत्तीस परसेंट डिस्काउंट अठारह महीने की डेढ़ साल की प्रेपरेशन यूपीएससी की प्लस का कॉम्बो कॉम्बो का मतलब क्या है दोस्तों जिसमें जीएस प्लस ऑप्शनल आता है अगर आपको जीएस अलग और ऑप्शनल अलग परचेज करना है तो उसका भी ऑप्शन है वो आपको लास्ट में बताऊंगा बट कॉम्बो बेस्ट है यार और अट्ठारह महीने का कॉम्बो सिर्फ तिरसठ में ओरिजिनल प्राइस पर सत्ताइस की छूट है यहाँ पे और इसका ओरिजिनल प्राइस डेढ़ साल के आइकॉनिक का प्राइस कितना है दोस्तों यहां पर सैंतीस हजार का डिस्काउंट है एक लाख तेरह हजार का ओरिजिनल प्राइस है बट यहां पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो आपका प्राइस है सेवेंटी सिक्स थाउजेंड यानी कि सैंतीस हजार रुपए का डिस्काउंट यहां पे मिल रहा है तो एक हफ्ते के लिए रहने वाला है तो आज ही जाएंगे और हम कोड यूज करने वाले हैं सर सुमित टेन और हम ज्वाइन करने वाले हैं किसको दोस्तों अकेडमी को आज ही ठीक है सो गाइस जाइए और जल्दी से किसी बच्चे को कोई डाउट है आप मुझे मेल कर सकते हैं मैंने बता दिया मेरी मेल आईडी आपको पता चल जाती है कमेंट बॉक्स में देखिए और जो है ये आपका क्या है दोस्तों ये फोन नंबर है इस फोन नंबर पर कॉल करके संपर्क करके भी आप सारी चीज़ें जान सकते हैं अच्छा दोस्तों मैं एक ओवरव्यू लेता हूं ठीक है अब जब बात कर रहे हैं यूपीएससी की तो एक ओवरव्यू लेते हैं दोस्तों देखो अगर रफली बोलू, मैं बोलूं मैं एग्जैक्ट बात नहीं करता मैं एक एवरेज निकाल लूं तो मैं कह सकता हूं हज़ार के आसपास वैकेंसी होती है ठीक है ये बैठ के ना खुद करना चाहिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना ये करना चाहिए इसके बिना तैयारी नहीं होती बट ठीक है वही बात है सब लोग कर कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हज़ार के आसपास वैकेंसी होती है और ये फिक्स नहीं होती खैर हर बार चेंज होती है पिछली बार सात सौ बारह थी इस बार आठ सौ इकसठ है ठीक है मतलब ऐसे चेंज होती रहती है कोई दिक्कत नहीं है ये सारी वेकेंसी कुल मिला के चौबीस कंबाइंड सर्विसेज होती हैं 24 फोर कंबाइंड सर्विस आपको लगता है सिर्फ आप आई बनोगे ठीक है आप सिर्फ आईपीएस बनोगे आप सिर्फ आई एफ एसओ बस बनोगे नहीं नहीं आप ऐसा कुछ भी नहीं है भाई आप 24 फोर कंबाइंड सर्विसेज के लिए जाओगे इनमें तीन तो ऑल इंडिया सर्विसेज रहेंगी ठीक है जिनको हम कहते हैं आई आईपीएस और आईएफएस तो याद रखना ये तो सिर्फ टॉप के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको मिलेगा ठीक है जो मतलब जितने भी जैसे लगभग साढ़े आठ सौ वैकेंसी इस बार है तो टॉप के डेढ़ सौ दो सौ बच्चे जो है वो आई आईपीएस के अंदर जाएंगे लेकिन यार चिंता मत करो यार ऐसा कुछ नहीं है हार्डवर्क करने से सब कुछ होता है मेहनत करने से सब कुछ होता है ठीक है डिप्रेस होने से कुछ नहीं होता एक बहुत बड़ा काम है दशरथ मांझी के सामने बहुत बड़ा पहाड़ था ठीक है अब वो यही सोचते रहते कि इतना बड़ा कैसे टूटेगा तो नहीं टूटता लेकिन उसने उन्होंने क्या किया उन्होंने अपना टारगेट रखा कि मुझे रोज कुछ कम करना है और हर दिन वो ऐसा करते और एक दिन पहाड़ को भी काट दिया यार तो परेशान नहीं होना नाराज मतलब अपने से दुखी नहीं होना ठीक है आपको सिर्फ क्या करनी है अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है अपने हौसले पर भरोसा रखना है अपने आप पे भरोसा रखना है ठीक है और बस आगे बढ़ते रहना है निगेटिविटी तो आएंगी वो तो जाहिर सी बात है ये प्रक्रिया इतनी बड़ी है बट आपको उनको भूलना है ठीक है मैंने क्या बताया दशरथ मान जी पहले सोच के बैठ जाता पहाड़ बड़ा है तो कट ही नहीं पाता ठीक है और उन्होंने फगुनिया के लिए पूरा पहाड़ काट दिया मतलब समझ रहे हैं कितनी और फगुनिया थी नहीं और फगुनिया जी होती तो पता नहीं क्या कर देते वो ठीक है इतना ऐसा मोटिवेशन रखो आप भी ठीक है So, तीन ऑल इंडिया सर्विसेज हैं इनके लिए तो आपको टॉप वन फिफ्टीज के अंदर होगा बट हम मेहनत करेंगे सर और इसी में आएंगे अच्छा एक और रिजर्वेशन का भी पंगा है मतलब सारी की सारी सर्विसेज जो है ना मतलब थाउजेंड है लगभग मान रहा हूं मैं अब इन हजार सब जो आपकी वैकेंसीज हैं इनमें रिजर्वेशन का भी पंगा होता है जो रिजर्व कैटेगरी में है उनके लिए खुशी है जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं है वो परेशान है कुल मिला के सीट रिजर्व है एस सी एस ओबीसी के लिए ठीक है दस परसेंट ईडब्ल्यू का कोटा आ गया है तो कुल मिला के लगभग 60 परसेंट सीट रिजर्व है कंपटीशन किस पे 40 पे अब बच्चे फिर से मन तोड़ लेंगे यहां से ठीक है वो फिर न, निराश हो जाएंगे हताश हो जाएंगे सर रिजर्वेशन इतना है तो फाइट का अरे ये भी तो सोचो रिजर्वेशन में उतनी परसेंट पॉपुलेशन कम भी तो हो रही है यार भाई उतनी परसेंट सारे ओबीसी थोड़ी ना आईएस इस, इसको क्रैक कर लेंगे तो जितने हैं ओबीसी जो पढ़ रहे हैं उनका कोटा ऑब्वियस ही बात है उस सत्ताईस परसेंट कोटे के अंदर में उनका सिलेक्शन हो जाता है कुछ जनरल कंपटीशन के लिए फाइट करते हैं तो मैं वो बोल रहा हूं कि इसमें लगभग लगभग आपका सिक्सटी परसेंट कोटा है और चालीस परसेंट के ऊपर जनरल में फाइट चल रही है लगभग तो ये देख के तो मुझे एक समझ में आया है कि पेपर जो है यहां तक अगर मैं देखूं तो कॉम्पिटिशन टफ है कड़ा कॉम्पिटिशन है मजाक से काम नहीं चलेगा एक दिन पढ़ लिया दो दिन नहीं पढ़ा एक दिन क्लास कर ली दो दिन क्लास नहीं करी आ गए क्लास में कमेंट कर लिया चले गए इससे तो बात ना बनने वाली भाई अगर ऐसे किए तो एक पत्थर ना तोड़ पाओ पहाड़ की तो बात ही दूर है क्योंकि मैं एक जो ट्रेंड देख रहा हूं मुझे साफ पता चल रहा है कि कंपटीशन तगड़ा है कंपटीशन कड़ा है और अगर इस कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ना चाहते हो दोस्तों तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी हौसला आपको रखना पड़ेगा भाई ठीक है एक ओवरव्यू है मैं उनकी आंख खोल रहा हूं जो आराम से बैठे हैं भाई आज परेशान करूंगा कल उतावला करूंगा और परसों मोटिवेट करूंगा जरूरी है ठीक है अब पास्ट का ट्रेंड कुछ ऐसा रहा है जैसे पास्ट के पेपर अगर मैं देखूं ठीक है 2015 से बात कर लेते हैं 2015 में प्यारे बच्चों फाइनल वैकेंसी जो टोटल थी, थी, फॉर्म कितने लोगों ने भरा था नौ लाख उनतालीस हजार सात सौ पैंतीस मतलब लगभग लगभग साढ़े नौ लाख लोगों ने फॉर्म भरा था देने जाते आधे साढ़े चार लाख लोग गए थे आधे हो जाते फिफ्टी परसेंट आधों का मोटिवेशन फॉर्म भर के टूट जाता है <laughs> आधे बच्चों का ही नहीं पहुंच पाते कभी जब बच्चे इस बार के फॉर्म होंगे मैं बता रहा हूँ बारह साढ़े बारह लाख साढ़े बारह लाख और वैकेंसी कितनी और आठ सौ वैकेंसी आधो का मोटिवेशन यही डाउन आधे इसलिए पेपर देने ही नहीं जाते बेचारे आप उसमें नहीं होंगे ठीक है आप उनमें नहीं होंगे मजाक में नहीं है आप ठीक है उसके अलावा साढ़े चार लाख पेपर फ्लिप देने गए थे और प्री कितने लोगों ने क्वालिफाई किया था पंद्रह सो आठ लोगों ने, इतनों ने मेंस दिया था ये मेंस में गए थे और इतने लोगों में देखो फाइनल सिलेक्शन ग्यारह सौ चौसठ बच्चों का फाइनल ठीक है सर 2015 में देखते हैं 16 में देखते हैं क्या हुआ दो में वैकेंसी जो है देखो बढ़ गई पचास वैकेंसी और बढ़ी दो के अंदर में वैकेंसी बढ़ी कैंडिडेट भी बढ़े फॉर्म लो, ज्यादा लोगों ने भरा लगभग ग्यारह लाख अट्ठाईस ने फॉर्म भरा ठीक है नौ से सीधा साढ़े नौ से सीधा साढ़े ग्यारह लाख दो लाख लोगों ने ज्यादा फॉर्म भरा क्योंकि वैकेंसी बढ़ गई एक वैकेंसी बढ़ने पर फॉर्म कितने ज्यादा लोग भर रहे हैं दो लाख लोग फॉर्म ज्यादा भर रहे हैं कहने का मतलब क्या है भाई कहने का मतलब क्या है नौकरी ऐसी नहीं है भैया ये वो नौकरी है कि 50 वैकेंसी के ऊपर दो लाख लोग आके लाइन में खड़े हो गए हैं, पचास वैकेंसी बढ़ने पर दो लाख लोग लाइन में खड़े हो गए हैं यह कंपटीशन है कंपटीशन इस नौकरी का, का, इस इस पोस्ट एग्जाम का चाम है ठीक है इनमें से लेकिन वही यह चाम ज्यादा रहता नहीं मैंने क्या बोला देखो प्रिलिम्स देने बहुत कम पहुंचे थे लास्ट साल पिछले साल से भी प्रिलिम्स कम लोगों ने दिया है और प्री क्वालिफाई किया लगभग लगभग पंद्रह ने ठीक है फाइनल लोगों कितने हुए दोस्तों सत्रह बात करता हूं 2017 में 2017 में फाइनल वैकेंसी जो है वो लगभग लगभग सेम रही या पता नहीं मेरे से गलती हुई मैंने सेम रख दी ठीक है देखना पड़ेगा मुझे लग रहा है मेरे से ही गलती हुई है कैंडिडेट गए दोस्तों नौ लाख सैंतालीस हजार कैंडिडेट कम रहे तो इसका मतलब वैकेंसी थोड़ी कम थी ठीक है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कितनी थी ठीक है बट इट मस्ट बी कम ठीक है कम थी लेकिन कहने का मतलब है यहां पर अगर आप देखोगे तो प्री कितने लोगों ने क्वालिफाई किया तेरह हजार तीन सौ मतलब यहां वैकेंसी पक्की बात है हजार से भी कम है लेस देन थाउजेंड है लेस देन थाउजेंड है क्योंकि इतने कम लोग हैं देखो यहां पे जब इतनी बारह सौ के आसपास वैकेंसी थी तो कैंडिडेट भी ज्यादा तेरह मतलब मैं कह रहा हूं कि हजार से भी कम वैकेंसी मतलब दो में वैकेंसी कम कम लोगों ने फॉर्म भरा लेकिन प्रिलिम्स लोग उतने ही देने गए मतलब 4 4 4 चार लाख छप्पन हजार मतलब अब ट्रेंड देखोगे आप चार तिरसठ चार उनसठ चार छप्पन साढ़े चार लाख के आसपास का रेशियो रह, रह रहा है दो हजार अट्ठारह कैंडिडेट वैकेंसी रही दोस्तों आठ सौ बारह दस लाख लोग फॉर्म दे, फॉर्म देने गए और यहां पर आप देखोगे तो पचास हजार लोग जो है ना प्रलिम्स ज्यादा देने पहुंचे उम्मीद दिखी उनको कि वैकेंसी थोड़ी कुछ ज्यादा हुई है लेकिन वैकेंसी तो कम ही हुई है यहाँ ठीक है वैकेंसी कम हो गई है अब यहाँ से इसके बाद 2016 के बाद डिक्रीजिंग ट्रेंड आ गया है वैकेंसी कम साढ़े चार लाख पांच लाख लोग लगभग चार लाख तिरानवे हजार लोगों ने फॉर्म भरा है और दस हजार लोगों ने सिर्फ प्री क्वालिफाई किया तो सोचो कंपटीशन और भी टफ था आठ सौ लोग हैं सेलेक्ट करने हैं तो दस हजार लोगों का ही प्री क्वालिफाई कर रही है हो रहा है ठीक है और दो हजार अट्ठारह में ये हाल था दो हजार उन्नीस की बात कर रहा हूँ मैं तो फाइनल वैकेंसी थी दोस्तों नौ सौ सत्ताइस कैंडिडेट रहे थे आपके कितने ग्यारह लाख पैंतीस हजार दो सौ अड़सठ प्रिलिम्स देने पहुंचे देखो चार लाख पांच लाख थे अब प्रिलिम्स अड़सठ हजार ,00, ये बढ़ क्यों रहे हैं यार ये ठीक तो है वैसे फॉर्म तो भर ही रहे हैं ग्यारह बारह लाख ये बढ़ इसलिए रहे हैं कि एग्जाम ही ऐसा है मैंने बताया चाम एग्जाम कैसा और दूसरा सारी चीजें फेयर होती हैं यहाँ पे यहाँ रेलवे की तरह नहीं है मामला अटका पड़ा है यहाँ एसएससी की तरह मामला नहीं अटक अटकता है फ्री एंड फेयर और बहुत डेमोक्रेटिक आपका एग्जाम है या आर्ट साइंस वाले सब बराबर है आर्ट ह्यूमैनिटी कॉमर्स सब लोग जो है फॉर्म आके भर सकते हैं पेपर दे सकते हैं बहुत डेमोक्रेटिक एग्जाम है आपका इसीलिए यहां पर आप देखोगे तो फेथ बढ़ता है लोगों का जब बाकी एग्जाम के अंदर में चीजें खराब चल रही थी तो लोग इस एग्जाम की तरफ शिफ्ट हो गए हैं ऑनलाइन जमाना आ गया 2019 में हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था ठीक है 19, 20, 21 के अंदर में चीजें सही हो गई थी ठीक है उन्नीस के अंदर में आई थिंक में सेप्टेंबर में जॉय किया था तो वहां पर फिर ज्यादा लोगों के पास में पढ़ाई का एक्सेस आ गया था तो ज्यादा लोग देखो फिल्म देने लग गए थे दो में 2020 में अगर कर कोरोना आ गया था तो चीजें बिगड़ेंगी ऑब्वियस सी बात है 2020 का 21 का और 22 का ठीक है इनका पूरा डेटा नहीं है बट मैं एक अंदाजा आपको बताऊंगा ठीक है क्या 2020 के अंदर में हमारी वैकेंसी रही है सात सौ छियानवे सेवन यहां पर भी फाइनल सिलेक्शन जो हुआ है फिलिम्स के लिए वो 10,000 के आसपास लोगों का हुआ है कैंडिडेट्स का हुआ है ठीक है फॉर्म भरे गए हैं यहां पर भी साढ़े ग्यारह लाख लोगों ने फॉर्म भरे, भरे थे और यहां पर भी साढ़े पांच लाख लोगों ने पेपर दिया था 2021 की बात करें इसका भी एग्जैक्ट डेटा नहीं है बट 712 वैकेंसी थी और 2022 में अगर देखें तो आठ वैकेंसी मतलब एक दो और तीन साल में पिछले तीन साल में सबसे ज्यादा वैकेंसी है सबसे ज्यादा होप है सबसे ज्यादा उम्मीद है सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे और सबसे ज्यादा लोग पेपर देने जाएंगे वैकेंसी अच्छी है बहुत बढ़िया बात है लेकिन कॉम्पिटिशन भी क्या रहने वाला है कड़ा कॉम्पिटिशन रहने वाला है अब आप हमने आपको तैयार कैसे करते हैं ना दोस्तों ये तो आप देख लीजिए अब तैयारी कैसे करनी है वो आप सोच लीजिए मजाक करना है ठीक है एक क्लास में संपूर्ण भूगोल पढ़ना है या सही में तैयारी करनी है तुम्हें कैसा कंटेंट तुम्हें चूज करना है आपको वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने हैं करंट अफेयर में या करंट अफेयर का डिटेल एनालिसिस करना है क्या करना है मैं आप पे छोड़ता हूं भाई ठीक है लेकिन मैंने आपको एक हकीकत दिखा दी है 2019 तक की डिटेल में और अब भी मैं आपको एक रफली दिखा रहा हूं जब भी वैकेंसी बढ़ी है बताया था ना वैकेंसी बढ़ी पचास कैंडिडेट बढ़ गए दो लाख यहां पर भी वैकेंसी बढ़ी है एक तो कम से कम तीन लाख कैंडिडेट बढ़ेंगे मैं मान के चल रहा हूं बारह लाख साढ़े बारह लाख लोग फॉर्म भरेंगे ठीक है छ लाख साढ़े छह लाख लोग प्रम्स देने आएंगे ये मेरा मानना है अगर कोविड नहीं रहता है तो छ साढ़े छे में क्योंकि इस बार और भी रेलवे के जो मतलब बच्चा ऐसा नहीं है बच्चे को तुम ये नहीं कहते कि रेलवे का पढ़ तू बच्चे को ये नहीं कहते कि तू रेलवे ग्रुप डी का पढ़ सी का पढ़ एस का पढ़ नहीं नहीं बच्चा चाहता है कि उसकी मेहनत सफल हो और मैं एक बात बोलता हूं एक रेलवे का बच्चा भी उतनी मेहनत करता है जितना यूपीएससी मतलब बस थोड़ा सा तरीका अलग है मेहनत करने का आपको क्या लगता है ग्रुप डी की तैयारी करने वाला बच्चा छह से सात घंटे नहीं पढ़ता आपको लगता है ऐसा वह अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो अगर आपको यह लगता है कि दूसरे एग्जाम के पेपर बिना पढ़े निकल जाते हैं तो आप लोग बहम कर रहे हैं बहम कर रहे हैं वो तो बस उन्होंने मान लिया कि यूपीएससी हमारे लिए नहीं बना नहीं तो अगर वो सोच लेना कि एग्जाम देंगे यूपीएससी का तो वो भी आ जाएंगे इस दौड़ के अंदर में और वो सक्षम है इस एग्जाम को निकालने में आप लोगों का कंपटीशन और बढ़ जाएगा पत्ता कट जाएगा मैं बात बोल रहा हूं ठीक है बहुत सारे लोग बोलते हैं डराते हैं यूपीएससी यूपीएससी में तुम्हारे बस बस की की बात बात नहीं मैं कहता हूं UPSC हर उस बच्चे के बस की बात है जो अपने आप को सबसे कमजोर आप जो मेरी मेरी वीडियो देख रहे हो ना जो बैठ के अपने आप को जो सबसे कमजोर समझ रहा है ना कि यार मेरे से नहीं हो पाता मैं तो चाहता हूं कि ग्रुप डी में नौकरी मिल जाए या एस एस हो जाए या मेरा तो ये जो ग्रेजुएशन का पेपर है ये हो जाए ये हो जाए जो भी बच्चा ऐसा सोच रहा है मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी एग्जाम को करने के लिए पांच घंटे पढ़ोगे और अगर आप पांच घंटे पढ़ने को मेहनत करने को तैयार हैं तो क्यों ना इस देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित सर्विसेज की आपको तैयारी की जाए ये एग्जाम कुछ ले नहीं रहा आपको सौ रुपए फीस ले रहा है दोस्तों और आपकी मेहनत का सही फल आपको देता है चाहे वो एग्जाम के दौरान हो एक अलग सोशल स्टेटस आपको मिलता है और जब आप एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो भारत देश की सेवा करने का आपको मौका मिलता है इस समाज के लिए काम करने का आपको मौका मिलता है लेकिन हाँ दौड़ उतनी आसान नहीं होगी उनके लिए भी जो एग्जाम में ऑलरेडी है और उनके लिए बता देता हूं जो नए बच्चे हैं जो जुड़ना चाहते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं या इस वीडियो को देखेंगे मैं हर उस बच्चे से बात करूंगा कर रहा हूं जो इस वीडियो को देख रहा है आपके घर में जो भी बच्चा है उनको ये चीज दिखाइए ये हकीकत है ये बताइए उनको और उनको बताइए कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर आप पांच घंटे पढ़ सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो आप यूपीएससी की तैयारी करने में सक्षम है पढ़िए बसा ठीक है तो ये चीज ध्यान में रखनी है ठीक है अब मैं कॉन्क्लूजन क्या निकाल रहा हूं पिछले दस साल का मैंने एक रफ एस्टीमेट मोटा -मोटा लगा लिया 2012 से लेकर 2022 मान लेता हूं मैं। पकड़ लिया मैंने इसमें आठ लाख के आसपास आपके नए कैंडिडेट जुड़ गए हैं आठ लाख नए कैंडिडेट आ गए हैं कहां से आ गए हैं पेड़ से आ गए हैं क्या ये वही भाई हैं ठीक है ये वही लोग हैं ठीक है ये वही मेरे मित्र हैं जो अपने आप को सोच रहे थे पहले कि पहले कोई एक ये जॉब ले लेते हैं पहले एक छोटी जॉब से तैयारी करते हैं फिर बड़ी यूपीएससी की तैयारी करेंगे वो छोटी जॉब का बिचारी का चार साल से रिजल्ट ना आ रहा धांधलेबाजी हो जाती है अब उन्होंने सोच लिया कि बाढ़ में गई छोटी जॉब अब लड़ाई होगी यूपीएससी के लिए वो आ गए इधर आठ लाख लोग कैंडिडेट्स बढ़ गए आपके मैं किसी को डरा नहीं रहा मैं किसी को ये भी नहीं कह रहा कि भाई मुश्किल है छोड़ दो नहीं कह रहा भाई मैं मैं ये कह रहा हूं कि सचेत हो जाओ ठीक है मैं ये बता रहा हूं कि आप सिर्फ अकेले नहीं है जो यूपीएससी वन ओ पर बैठ के तैयारी कर रहे हैं आप अकेले नहीं है जो किसी और चैनल पर बैठ के तैयारी कर, कर रहे हैं ये पूरा देश तैयारी कर रहा है और ये पूरा देश का युवा तैयारी कर रहा है और वो तैयारी करने वाले बच्चे जो एसएससी पढ़ रहे हैं चाहे रेलवे का पढ़ रहे हैं चाहे बैंक का पढ़ रहे हैं वो किसी दिन भी आपका यूपीएससी के अंदर में दस्तक दे सकते हैं जिस दिन वो हुए परेशान वो आ जाएंगे इधर आपके बन जाएंगे मेहमान वो पिछले आठ दस सालों में आठ लाख नए कैंडिडेट आ गए नए तो कंपटीशन भी बढ़ गया जाहिर सी बात है और आगे आप जितना डिले करोगे आप कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर जी अभी ना दे रहा मैं कल परसों कह रहे थे सर मैं तो दो में तेईस में दूंगा मैं तो सर दो में दूंगा फॉर्म भर दिया है सर देखेंगे तुम जितना लेट करोगे ना ये लोग उतने ही आएंगे और ये कोई कमजोर लोग नहीं आ रहे हैं बता देता हूं मैं तुम इन सब में जज्बा है इन सब में हौसला है हौसला या तो सपने टूट के आया है इनका या परेशान हो के आया लेकिन इनमें हौसला है और ये जुझारू कैंडिडेट हैं ये वो कैंडिडेट नहीं है जिन्होंने सी पी सोच लिया है चलो एक चैनल से पढ़ना शुरू करते हैं मुझे आप पे विश्वास है मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है कि आप लोग बहुत बेहतर है आप लोग बहुत अच्छे हैं बाकी बाकी स्टूडेंट्स से बाकी चैनल्स पर बहुत अच्छे जो है ईमानदार बच्चे इस चैनल पर हैं मैं इस बात को समझता हूँ मैं इस बात को मानता हूँ पर मैं ये भी चाहता हूं कि हाँ आप इन बच्चों का भी ध्यान रखें लगातार जो है आपका कंपटीशन बढ़ रहा है तो आप ये ना सोचें कि अगली बार अगली बार अगली बार हर बार ऐसे अगली बार अगली बार वाले बच्चे आते रहेंगे ठीक है पोस्ट देखें तो पिछले दस साल में दोस्तों तो वो सौ से दो सौ पोस्ट बढ़ी है आठ लाख लोग बढ़ गए पोस्ट अगर आप देखोगे ना मुश्किल से हंड्रेड से टू हंड्रेड पोस्ट इंक्रीज हुई है भी बदलती रहती है कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है लेकिन अच्छी बात इसलिए इस बार ये है इस बार अच्छी बात ये है कि 150 150 वैकेंसी वैकेंसी ज्यादा ज्यादा है 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 मेरे पास। है? है मेरे पास पास ठीक इस इस बार बार क्या दोस्तों मैं मेहनत ज्यादा अच्छे से करूंगा मेरे पास ज्यादा उम्मीद है मेरे पास ज्यादा हौसला है और मेरे चांस हैं ज्यादा रिजल्ट आने के ठीक है समझ में आ लेकिन कैंडिडेट भी ज्यादा होंगे मैं वो बात भी तुम्हें पहले बता चुका हूँ ठीक है अब सर ये प्रोसेस क्या है ठीक है सर हम तैयार हैं करें कैसे बताइए मोटी सी बात बता देता हूं ठीक है वैसे तो सब बच्चे अवेयर हैं बट फिर भी जो नए बच्चे हैं वो सुन लो दो मिनट इस एग्जाम की तीन स्टेज है प्री मेंस और इंटरव्यू ये तीनों स्टेज जब आप पार करते हैं तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होता है और आप यूपीएससी में जाते हैं ठीक है थेके? इंटरव्यू इसी के बाद होगा फाइनल यही पूरी प्रोसेस है जो आपको आईएएस बनाएगी इस तक लेके जाएगी का जो एग्जाम एग्जाम होता है ना वो कुछ ऐसा होता है उसमें दो पेपर होते हैं पहला है पेपर वन दूसरा है पेपर टू पेपर वन होता है जनरल स्टडी का पेपर जिसमें करंट अफेयर हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी साइंस इन्वायरमेंट इकोनॉमी ये सारी चीजें पूछी जाती है आपसे पेपर टू के अंदर में सीसे मैथ रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन इसको सीसेट का पेपर बोलते हैं इसको जीएस का दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं ये भी 200 मार्क्स का होता है और ये जो होता है ये भी 200 मार्क्स का होता है ये क्वालिफाइंग है 33 परसेंट नंबर लेने हैं बस पास होना है और ये आपको सेलेक्शन डिसाइड करता है कि आप सेलेक्ट होंगे आप मीन्स देंगे या नहीं देंगे ये फाइनल में जुड़ते नहीं है बट हां ये आपका सेलेक्शन डिसाइड करता है तो इसीलिए इन चीज पे हमें ज्यादा ध्यान देना और ये गेट भी है आपका ये द्वार है इसीलिए सब बच्चे कहते हैं हैं प्री, प्री 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 पढ़ रहे हैं। हम तो मेंस नहीं पढ़ रहे अरे भाई जब प्री पढ़ लोगे ना तो मेन्स में तभी बैठ पाओगे जब प्री निकाल लोगे ठीक है और ये प्री बहुत कम निकल रहा है देखा था ना कितने साढ़े चार लाख लोगों में से पंद्रह ठीक है लाख लोगों में दस हजार बच्चे प्रलिम्स निकाल पा रहे हैं तो गलती है ना अभी भी इसी स्टेज पे इसको सुधारना है बाकी निकले ना निकले हमें बेहतर बनना है मेंस के दो भाग होते हैं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट वन के अंदर में कुछ क्वालिफाइंग पेपर होते हैं जैसे पेपर ए और पेपर बी पेपर ए लैंग्वेज का पेपर ए लैंग्वेज का पेपर होता है जिसमें आपने अलग अलग लैंग्वेज चूज करनी होती है मैंने बताया भी था आपको जब फॉर्म भर रहे थे आप और पेपर टू जिसको फॉर्म भरना नहीं आता अभी भी मैंने एक वीडियो किया है वो जाके देख लें पेपर बी जो होता है दोस्तों ये है कंपलसरी इंग्लिश तीन सौ मार्क्स का है दूसरा पार्ट टू जो होता है ना इसके नंबर काउंट होते हैं फॉर मेरिट लिस्ट आप फाइनल नंबर है इसके अंदर में भी आपके जीएस पेपर वन जी पेपर टू ठीक है इस पार्ट टू में क्या क्या होता है एक ऐसे का पेपर होता है सबसे पहले ढाई नंबर का ये ढाई सौ नंबर में पास होना भी जरूरी है अगर ऐसे का पेपर में आप पास नहीं है तो आपका पेपर आगे कॉपी चेक ही नहीं होती है ऐसे में पास होना बहुत जरूरी है बहुत ज़रूरी है ठीक है दो ऐसे लिखने होते हैं आपको ठीक है ये ढाई सौ नंबर का होता है ऐसे का पेपर और ये स्कोरिंग भी होता है अच्छा होता है स्कोर इसका आपका काउंट भी होता है फाइनल मेरिट के अंदर ना फिर जीएस के पेपर होते हैं चार जीएस पेपर वन जीएस पेपर टू जीएस पेपर थ्री और जीएस पेपर फोर एथिक्स पे आपके मामला रुक जाता है और सारे पेपर ढाई नंबर के होते हैं हजार नंबर का जीएस का पेपर होता है इसके अलावा ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं दोस्तों ये दो ऑप्शनल के ऊपर मैं कल चर्चा करने वाला हूं मैं चाह रहा हूँ ऑप्शनल के ऊपर ना थोड़ा सा एक बड़े उस पर चर्चा हो जैसे बाकी टीचर्स को भी मैं इसमें अपने साथ शामिल कर लूँ पंकज सर अभिषेक सर तो उसके लिए मैं थोड़ा प्लान कर रहा हूँ देखते हैं कब निश्चित हो पाता है तो दो पेपर हैं ऑप्शनल के आप ऑप्शनल चूज करोगे दो पेपर होंगे पेपर वन पेपर टू ऑप्शनल पे, के इनको यहाँ पे पेपर फाइव और पेपर स, ए, सिक्स कहा जाता है ठीक है सॉरी पेपर सिक्स और पेपर सेवन कहा जाता है और ये ढाई नंबर के होते हैं ये भी मतलब पाँच नंबर का ये ऑप्शनल भी होता है हजार नंबर का ये होता है और ढाई सौ नंबर का ये कुल मिला के कितना हो गया भाई आपका सत्रह सो पचास हो गया ना ठीक है कुल मिला के ये हो गया ठीक है सत्रह सो पचास नंबर का ये होता है उसके बाद में आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है पता है ना आपको कितने नंबर का होता है पर्सनालिटी टेस्ट बताइए ये देखो अभी भी चैट में आपस में लगे पड़े इंटरव्यू में कितने नंबर आते हैं बताओ टोटल फाइनल होते हैं 200 2025 नंबर टोटल और 2025 में से जिसने 50 परसेंट ले लिए ना ठीक है जिसने 50 परसेंट ले लिए उसका पार है ठीक है अब देखते हैं कट ऑफ के बारे में हम चलेंगे देखो मैं प्री की कट ऑफ बताता हूं ये प्री का है 2020 की बात कर रहा हूं मैं 21 का पूरा डेटा अपने पास नहीं आया है, क्योंकि अभी 2021 के इंटरव्यू होने बाकी हैं 2020 के अंदर में प्री हुआ था आपका जो जीएस 200 नंबर की थी ना जनरल की कट ऑफ गई थी 92 टू बानवे नंबर इस बार भी कम रहेगी अब जो पेपर होगा आएगा कमी ट्रेंड कमी चल रहा है इससे पहले 98 थी 92 का मतलब क्या है भाई 92 का मतलब क्या है कितने क्वेश्चन सही करने हैं बताओ छियालीस क्वेश्चन सही करने हैं भाई छियालीस क्वेश्चन करने हैं बस खत्म ओबीसी को 89 नाइन एस सी सेवेंटी फोर ठीक है और ये आपकी अलग कैटेगरी में बहुत मुश्किल है हाँ भाई हाँ मेरे चीतो बताओ यूपीएससी वन ओ वन के चीतो लाल बत्ती की गाड़ी जीतो वैसे बत्ती रही नहीं अभी ठीक <laughs> है मुश्किल है क्या यार छियालीस नंबर छियालीस क्वेश्चन सही करने छियालीस फोर्टी सिक्स सो में से छियालीस क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या कौन कौन करेगा दिखा देखता हूँ इस बात से कितने लोग लिखते हैं देखो 400 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और सिर्फ 400 ही लाइक हैं ये उत्साह है आप लोगों का अनु राठौर कह रही है, नहीं नो सर नहीं कर पाएंगे आप एक बार वीडियो लाइक करो सारे के सारे बच्चे ठीक है रिक्वेस्ट है जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया वीडियो लाइक कर दिया करो यार लाइक और शेयर ये ऐसी चीजें कर दिया करो देखो अभी भी नहीं कर रहे हैं सारे बच्चे एक बार फटाफट वीडियो लाइक करो फोर बच्चे देख रहे हैं और लाइक भी फोर है थोड़ा सा दया कर दिया करो नहीं मास्टर जी कितना डेटा बनाया होगा मैंने बैठ के कहां-कहां से डेटा इकट्ठा किया होगा 200 नंबर में से आपको 92 लेने थे 46 क्वेश्चन करेक्ट करने थे बस 46 47 हो गया काम फिर मेंस की बात करते हैं मेंस के अंदर में सारे पेपर मतलब वो सातों ऑप्शनल मिला के 1750 में से आपको मेंस में 736 नंबर लेने हैं बस कितने परसेंट है चालीस मतलब 45 परसेंट से भी कम है ये सिर्फ सोच लो मतलब ये टॉपर कहूँगा ये मतलब जितना ले ले कट ऑफ है ये ठीक है मतलब आप 50 परसेंट ले लोगे तो टॉपर हो आप सात नंबर ओबीसी वालों को छ नंबर ठीक है सिर्फ छ सौ अट्ठानवे और फाइनल जो मेरिट है इंटरव्यू के बाद में 2025 में से नौ सौ नंबर आधा भी नहीं है और 50 परसेंट भी नहीं है मतलब यह है कि यूपीएससी में अगर जनरल से पेपर दिया है फिफ्टी परसेंट अगर आपने निकाल दिया 50 परसेंट अगर आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो गया है ठीक है सिर्फ फिफ्टी मार्क्स आपको सिलेक्शन दिला देंगे सिर्फ फिफ्टी मार्क्स आपको सेलेक्शन दिला देंगे यूपीएससी के एग्जाम में मुझे मुश्किल तो नहीं लगता यार पेपर है ना मुश्किल तो नहीं है भाई एक पांच नंबर का सवाल है मैं उसमें लिखूंगा गिर पड़ के दो नंबर भी ले आया तो भी मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो रहा है और दो नंबर तो ऐसे भी आ जाते हैं अगर उस चीज के बारे में पूछा है थोड़ा बहुत इधर उधर का लिख भी दिया ना उसमें तो दो नंबर तो दे ही देगा एग्जामिनर अरे लिखा है बेचारे ने ना दे देगा ले मर ले भाई नहीं भाई सी सेट की वजह से रह गए 2021 में देखो वजह कुछ भी हो सकती है लेकिन रहना नहीं है भाई वजह तो कुछ भी रहेगी सी सेट में जो रह गए वो पंकज सर से संपर्क करो पंकज सर रॉ एजेंट रहे हैं पहले रॉ में काम किया उन्होंने वो बहुत तगड़ा है उनका सी सेट ठीक है तो ये कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ इसके अलावा एक और बेहतरीन चीज़ है आप कई बच्चे परेशान हो गए होंगे अरे सर कैसे करें ये क्यों बताया मैंने ये यही अच्छे के लिए बताया कंपटीशन तो है मानता हूं कंपटीशन है मानता हूं ठीक है लेकिन सही स्ट्रेटजी सही तरीके सही रणनीति कंटिन्यूटी के साथ में आप इस पेपर को निकाल सकते हो अब वो सही स्ट्रेटजी क्या होगी विल डिस्कस स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे ठीक है मैं डेली एक वीडियो इस पर कर लूंगा मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक पूरी सीरीज के अंदर में मैं कोशिश करूँ कि आपको मोटिवेट रखूँ ठीक है आपके लिए मैं भिन्न भिन्न प्रकार की ये जो वीडियो हैं सारे एस्पेक्ट में यूपीएससी के आपके सामने खोल के रखूं दिन में तीन से चार क्लास हम कर रहे हैं तो कोशिश रहेगी कि एक इस प्रकार की स्ट्रैटेजी वीडियो ये मोटिवेशन वीडियो और सुमित राठी शो के साथ भी मैं वापस आ रहा हूं सुमित राठी शो जो है उसको भी हम लेके आ रहे हैं ठीक है और बहुत सारी नई नए चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ शॉर्ट्स वीडियो मैं बना रहा हूँ नई आपके लिए मोटिवेशनल तो कई सारे काम मैं आपके लिए करने का सोच रहा हूँ ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रखना है ठीक है बहुत अच्छा एग्जाम है आप निकाल सकते हैं बहुत मुश्किल नहीं है मैं आपको फैक्ट से बता रहा हूं मैं डेटा बता रहा हूं आप कर सकते हैं अगर आप में थोड़ी सी सीरियसनेस है लेकिन पता है बच्चों ज्यादातर बच्चे फेल होते हैं वो क्यों क्योंकि मैंने बताया ना ये ग्यारह लाख लोग जो है ना वो फॉर्म भर रहे हैं इनमें से आधो की हिम्मत नहीं होती पाँच लाख लोग फॉर्म दे जाके पेपर दे रहे हैं और इन पाँच लाख लोगों में वो बच्चे बहुत कम हैं जो पूरे साल पढ़े हैं आप में से बहुत कम बच्चे हैं जो पूरे साल तैयारी कर रहे हैं अगर आप पूरे साल तैयारी कर लो ना ठीक है बैठ के फरवरी है और आप अगली जो आपके एक सेशन तक अगर आप बैठ के एक साल फरवरी तक अगले तक तैयारी कर लो मैं कहता हूँ आपका सलेक्शन कोई रोक नहीं सकता ठीक है भगवान उतर आए तो तुम्हारा सिलेक्शन रोक नहीं सकता कहेगा जा बेटा तो, तो देश सेवा के लिए बना है और कितना भी कमजोर बच्चा हो जो बैठ के अपने आप को सोच रहे ना मैं बहुत कमजोर हूं मैं एक साल मांग रहा हूं एक साल मैं नहीं मांग रहा मैं कह रहा हूं एक साल कंटिन्यू पढ़ ले पाँच से छह घंटे पढ़ ले ज्यादा घंटे नहीं पढ़ना पाँच से छह घंटे लेकिन हाँ ये छह घंटे में कम नहीं होना चाहिए और हर एक वो बच्चा जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो पाँच से छः घंटे पढ़ सकता है ये मुझे अच्छे से पता है तो हर बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है जरूरी नहीं है कि यूपीएससी वाले बच्चे कुछ अलग से आते हैं चार हाथ चार पैर होते हैं उनके नहीं भाई ठीक है नहीं ठीक है ना तो जाइए दोस्तों पढ़ाई शुरू कीजिए अपनी एक अच्छी बात अभी यह है कि आपके लिए जो है कॉम्बो ऑफर चल रहा है इस कॉम्बो ऑफर के अंदर में जीएस प्लस अभी गाइस आपको पता है ना मेरा अभी उस पर क्लास है अन अकेडमी की ऐप के ऊपर अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पता होना चाहिए था भाई ठीक है नहीं पता है तो कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ ठीक है मैं अभी आपको लिंक दे देता हूँ और हमारी क्लास है उस पर अभी सारे बच्चे आएंगे ठीक है डेली हम इस क्लास को करने वाले हैं देखो मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है इस क्लास में सारे के सारे बच्चे आएंगे और अभी हम करेंगे अन अकेडमी ऐप पे ऊपर एक क्लास है जस्ट अभी दस बजे इसको स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर के एम सी क्यू है जो आपके 32 परसेंट ऑफ चल रहा है 18 महीने का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन सिर्फ तिरसठ हजार रुपए के अंदर 18 महीने ओरिजिनल प्राइस है इक्यानवे हजार आपको सत्ताईस हजार रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है दूसरा इकोनिक अठारह अठारह महीने पे आपको सिर्फ छिहत्तर हजार रुपए के अंदर मिल रहा है सैतीस हजार रुपए का डिस्काउंट यहां पे तो अच्छा ऑफर है दोस्तों आज ही जाओ कोड लगाओ सुमित लगा अच्छा जो मेरे बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं ठीक है मैं बता देता हूं दोस्तों अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको मेरा ही कोड यूज करना है सुमित टैन बच्चा किसी और से बात कर लेता है वो कह देता है ठीक है अरे ठीक है ठीक है सुमित सर मेरा एक ही बात है ठीक है एक ही बात नहीं है दोस्त ठीक है फिर मेरे को मत कहना कि सर उन्होंने कह दिया था और मैंने लगा दिया उनका कोड ये बहुत बच्चे मेरे पास डेली फोन करके मेरे को बताते हैं कि सर मैंने बात उनसे की थी उन्होंने अपना कोड बता दिया मुझे आपसे बात नहीं हो पाई थी मैंने उनसे बात कर ली तो फिर बाद में मेरे को ये मत कहना कि सर आप मुझे ज्वाइन कर लो अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं मेरा कोड यूज करना है सुमित्रेन अच्छा ऑफर है किसी बच्चे को कोई डाउट है मेल करो मुझे ठीक है मेल आई मेरी खुली है ट्वेंटी आवर्स आपको चौबीस घंटे के अंदर जवाब मिल जाएगा आपसे बातचीत हो जाएगी या सीधा मैंने बताया मेरे काउंसलर से बात करो डायरेक्ट आपको काउंसिल करेगा नहीं समझ में आता है तो कोई नहीं मुझे मेल भी 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 डाल दो दोनों दोनों काम कर सकते हो चीज अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं ठीक है तो अभी कॉम्बो वीक ऑफर चल रहा है दोस्तों फॉर्म निकल गया है बढ़िया ऑफर है ठीक है ये अच्छा ऑफर है जाके कॉल करो फटाफट दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन है प्लस प्लस में भी सुमित टेन कोड लगेगा और आइकॉनिक में भी सुमित टेन कोड लगेगा कंफ्यूज मत होना है और पर्सनल गाइडेंस अगर चाहिए ठीक है स्टडी प्लानिंग चाहिए आपकी

तीन साल का बानवे हजार फीस है आप मेरा कोड लगाएंगे तिरासी हजार दस परसेंट सब में दस परसेंट आइकॉनिक लेना चाहते हैं पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं सेवेंटी फोर थाउजेंड का कोर्स है सेवन से, 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 थाउजेंड में मिलेगा एक लाख पंद्रह दो साल का है आपको सिर्फ एक लाख चार हजार में मिलेगा सब पे कहने का मतलब है दस परसेंट ऑफ है जब मेरा कोड लगा रहे हैं दस परसेंट ऑफ है मेरा कोड है सुमित ठंड बाकी अगर आप ऑप्शनल के लिए जाना चाहते हैं तो ऑप्शनल के लिए भी जा सकते हैं ऑप्शनल के लिए दोस्तों एक साल का प्राइस है 27, 500, आप मेरा कोड लगाएंगे चौबीस हजार सात सौ पचास अगेन दस परसेंट ऑफ तो जब भी आप कोड यूज करते हैं क्या सुमित 10, आपको मिलता दस परसेंट डिस्काउंट कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट कोई भी धुंधलापन आपकी तैयारी के लिए आपको सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग को कोई क्वारी कोई लेटेस्ट ऑफर जानना चाहता है सीधा कॉल करो इस नंबर पर ठीक है सारी क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा आपसे बात की जाएगी हां एक बात मैं बोल देता हूं किसी से भी बात हो लोन करा रहे हो कुछ भी करा रहे हो अगले बंदे को बोल के करो हो सकता है वो कोई दूसरा कोड लगा दे लेकिन बोल के करो ठीक है लड़ जाओ कि कोड रहेगा एक बार आप बोल देना उसको कि सुमित टेन कोड लगना है क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है सबकी उसके बाद अगर वो सुमित टन कोड नहीं लगाए तो आप मेरे को बता देना हम देख लेंगे ठीक है बट हाँ कोड सुमित यूज करना है जिन बच्चों को जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं ठीक है ना ऑन दिस नोट बाकी मेरा मेल आई है सभी के पास ऑन दिस नोट एम एंडिंग दिस सेशन थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय बाय जय हिंद दोस्तों लेट्स क्रैक इट अभी मिलते हैं अकेडमी की ऐप के ऊपर जो हमारा करंट अफेयर का एमसीक्यू सेशन है उसको करते हैं ठीक है चलिए आ जाइए दोस्तों फटाफट से वहां पे